हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति अर्पिता क्रोशेट ट्यूटोरियल से। ये देखिए, मैं आपके लिए आज एक न्यू डिज़ाइन इयररिंग लेकर आई हूँ। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड, यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू रहें मेरे साथ डेली न्यू डिज़ाइन सीखने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इयररिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। या साथ में आप 2 प्लाई का 3 प्लाई तक का ऊन ले सकते हैं। ये मैंने एक्रेलिक ऊन लिया है 3 प्लाई की। साथ में आपको जो क्रोशिया लेना है वो पतला लेना है, 8 नंबर का क्रोशिया है। सीजर चाहिए होगा और आपको ऐसे इयररिंग्स वाले हुक्स चाहिए होंगे। ये कॉस्मेटिक स्टोर्स में मिल जाते हैं। तो चलिए बनाना सीखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इसके लिए ये ऊन आपको ऐसे अपने हाथों को ऐसे रखे और ऐसे 30 टाइम आपको इसको लपेटना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपको 30 टाइम लपेटना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। ये देखिए 30 टाइम हो गया। अब हम इसे यहाँ ऐसे ले लेंगे और ये ऐसे क्रोशिए के थ्रू देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये ऐसे फंदे को खींचिए, ये देखिए ऐसे सिंगल क्रॉसेट बनाइए और ये टोटल 30 सिंगल क्रॉसेट आपको बनाना है। ऐसे इसको ऐसे पकड़ के रखिए अच्छे से और इसको ऐसे हर बार खींचते हुए आपको 30 सिंगल क्रॉसेट बनाना है। 3, 4, 5 देखिए ऐसे 6 बिल्कुल ऐसे बनाना है आपको। 7 ये देखिए ऐसे बनता जाएगा और ये 30 यहाँ तक आएगा। ये हम बना लेते हैं, तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए ये ऐसे बनकर आएगा। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे टाइट सा बनाना है। अब हम इसका जब 30 सिंगल क्रॉसेट हम यहाँ बना लेंगे तो टर्न लीजिए एंड 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 ट्रिपल क्रॉसेट बनाएंगे यहाँ नेक्स्ट चेन में। फर्स्ट छोड़कर नेक्स्ट चेन में ऐसे 1, 2 नेक्स्ट ट्रिपल क्रॉसेट बनाएंगे। 1, 2 ये देखिए प्लेन बनाएंगे। 1 एंड 2 ये देखिए ऐसे बनेगा। एक और बनाएंगे, 3 बन गया है। ये बनाएंगे नेक्स्ट इसमें 1 एंड 2 ये देखिए ट्रिपल क्रॉसेट 4 बना लिया और एक चेन स्टिच है सबको एक साथ ऐसे सिंगल क्रॉसेट से। अब यहाँ 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम इसको सिंगल क्रॉसेट से बंद कर ऐसे बन कर आएगा। नेक्स्ट फिर बनाएंगे 3 चेन ऐसे लीजिए। नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रॉसेट ये देखिए ऐसे ऐसा। फिर दोबारा अगेन हम 4 बना लेंगे फंदे डालते हुए। 2 देखिए 3 और ऐसा ही हम
और बना लेंगे। इन सबको एक साथ सिंगल क्रॉस स्टिच से थ्री चेन, अगेन हम नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रॉस स्टिच डालेंगे। देखिए ये ऐसे बनेगा, ऐसे ही करके हम यहाँ हमारा टोटल ये सिक्स बन जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट का है, वन टू एंड थ्री, एंड अगेन लास्ट हमारा चेन में ये हमारा सिंगल क्रॉस स्टिच बन गया। ये देखिए अब हम इसे ये ऐसे आ जाएगा, ये अब हम इसके साथ इसको निकाल लेंगे, धागे को बंद कर देंगे, ऐसे क्लोज कर लीजिए धागे को। ये देखिए अब हम इसे ऐसे इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए ये ऐसे आना चाहिए, इसे यहाँ से पकड़िए और इसे हम 20 टाइम इसको बिल्कुल ऐसे खींचते हुए बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 देखिए, ये देखिए 20 बन गया। ये देखिए इस धागे को हम सुई में लगा लेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे लगा लीजिए। और जब ये 20 हो गया है तो यहाँ से इसको ऐसे ये देखिए इसको अच्छे से इसको ऐसे हम क्लोज कर देंगे। 3-4 बार करके अच्छे से हम इसकी सिलाई कर देंगे यहाँ पे, सो दैट कि ये खुले नहीं। ये देखिए इसे ऐसे बैक साइड में लेकर जाएंगे और इस साइड से भी। इसे ऐसे बंद कर दीजिए, ये देखिए ये ऐसे यहाँ से हम कट और इसको यहाँ ऐसे, ये देखिए ये देखिए ये ऐसे बनेगा। इसको हम नीचे से अच्छे से कट कर लेंगे, यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे और इसको ऐसे बराबर करके, ये देखिए इसको ऐसे बराबर करके यहाँ से ऐसे, ये देखिए ऐसे बन जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए इसमें भी हम हुक लगा लेंगे, तो चलिए लगा लेते हैं इसका हुक, इसका हुक लगा। ये देखिए हमारा इयररिंग बन के तैयार है, ये एक मैंने पहले से बना रखा है। ये देखिए ये आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कंटिन्यू रहें मेरे साथ फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।